नंबर 26, हरदोई के कछोना में संगीता सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के आयोजित वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री सतीश महाना पहुंचे। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें बंटवारे की राजनीति करने वाला बताया। मंत्री ने पी चिदंबरम पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति दुनिया की बेहतर न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से जेल जा चुका हो और 2 महीने जेल में रहा हो, वह न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे, यह सही नहीं है। मंत्री ने अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि सीएए के नाम पर भाजपा प्रदेश को भाजपा बांटने का काम कर रही है, पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने देश को बांटने का षड्यंत्र किया, जिनकी राजनीति बंटवारे और जाति की राजनीति रही हो, जिनकी राजनीति एक सांप्रदायिक को गलत तथ्यों और झूठे तथ्यों पर उकसा कर वोट लेने की रही हो, वह हमारे को क्या बांटेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो देश में सांप्रदायिक जातिवाद गुंडागर्दी करने वाली राजनीति करते थे, आज नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति, देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम किया है और सबका साथ सबका विकास इस नीति पर काम किया है। अखिलेश यादव वहां सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी सीएए के नाम पर देश को बांटना चाह रही है। जिन्होंने इस देश को बांटने का षड्यंत्र किया, जिनकी राजनीति बंटवारे के आधार के ऊपर होती है, जिनकी राजनीति जाति के आधार पर रही, जिसकी इनकी राजनीति एक संप्रदाय विशेष को गलत और झूठे तथ्यों के आधार के ऊपर उकसा कर वोट लेने की रही, वो हमारे को बांटने का क्या काम करेंगे। आज तक मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि 2014 से पहले जो इस देश में लोग राजनीति करते थे, वो संप्रदाय के आधार के ऊपर राजनीति करते थे, वो जातिवाद के आधार पर राजनीति करते थे, वो गुंडागर्दी के आधार के ऊपर राजनीति करते थे। इस देश की राजनीतिक दिशा को और दशा को बदलने का काम अगर किसी व्यक्तित्व ने किया है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के विकास की राजनीति करी, जिन्होंने देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने की बात करी, जिनका एजेंडा केवल और केवल एक है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सबका साथ और सबका विकास का जिन्होंने नारा देकर इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले गए, वो अखिलेश यादव वहाँ पर सोच ही नहीं सकते जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए उनके कहने का कोई महत्व नहीं। सर एक आखिरी सवाल है, पी चिदंबरम का कहना है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाह रही है। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो उनको दोषी करार देकर जिनको जेल में भेजा गया, जो कई महीनों तक जेल में रहे हैं, हाई कोर्ट से भी अपने मुकदमा हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को सुना और अंततोगत्वा कई महीने तक उनको जेल में रहना चाहिए। जो इस देश की न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी दुनिया से बेहतर है और इस देश की न्यायिक व्यवस्था को पूरी दुनिया को गर्व है। सैकड़ों साल लंबित पुराने विषय को भी अगर कोई सोल्यूशन निकाल सकता है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था निकाल सकते हैं, हमें उसके ऊपर गर्व है। और उस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा जेल में रहकर आया हो वो क्या कहेगा। थैंक यू। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।